LIC न्यू जीवन आनंद प्लान के अंदर व्यक्ति 80 रुपये दिन का जमा करके ले सकता है तकरीबन 90 लाख रुपये का प्रोटेक्शन, जहां उसे मिलेगा 49 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट और 40 लाख का डेथ बेनिफिट। जानिए कैसे इस वीडियो में। ये प्लान एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरतों को देखते हुए LIC द्वारा बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद भी व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए रिस्क कवर दिया जाता है, यानी कि 49 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ करने के कुछ सालों बाद भी अगर यहाँ पॉलिसी होल्डर की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो LIC उसकी फैमिली को 40 लाख का एडिशनल डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। आइए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि इस LIC न्यू जीवन आनंद को कौन कौन ले सकता है और कौन नहीं। इस प्लान को लेने के लिए आपकी एज 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म आप यहाँ 15 से 35 साल तक के बीच का चुन सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम सम में शॉर्ट जो यहाँ व्यक्ति को मिलेगा वो है 1 लाख और मैक्सिमम व्यक्ति यहाँ कितना भी सम में शॉर्ट चुन सकता है। हम यहाँ आपको सजेस्ट करेंगे कम से कम 5 लाख का सम में शॉर्ट लेने की, क्योंकि उससे आपके प्रीमियम को यहाँ मिलेगी 2.5% की रिबेट। इन टोटल व्यक्ति चाहे तो इस प्लान में 5% तक की रिबेट उठा सकता है। रिबेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। चलिए अब एक एग्जांपल के जरिए सीधा जानते हैं कि कैसे कोई यहाँ 2,500 रुपयों में ले सकता है 90 लाख रुपयों का ओवरऑल प्रोटेक्शन। मान लीजिए 25 साल का व्यक्ति है जो समझदारी से प्लान करके सिर्फ 10 लाख का सम में शॉर्ट चुनता है अगले 35 साल के पॉलिसी टर्म पर। इस व्यक्ति का महीने का प्रीमियम बनेगा करीब करीब 2,500 रुपये। पहले साल 4.5% टैक्स के साथ इनका मंथली प्रीमियम होगा 2,516 रुपीस और दूसरे साल से पॉलिसी टर्म पूरे होने तक 2.25% टैक्स के साथ इनका प्रीमियम रहेगा 2,462 रुपीस। ओवरऑल पूरे 35 साल में जो ये व्यक्ति LIC को प्रीमियम भर चुके होंगे वो बनेगा 10,12,767 रुपीस। अब जानते हैं इन्हें ये पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद 49 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट किस हिसाब से मिलेगा। LIC मैच्योरिटी बेनिफिट 3 कंपोनेंट्स को मिला के आपको देता है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। सम एश्योर्ड यहाँ इन्हें मिलेगा 10 लाख, बोनस 16,10,000 एंड फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख। टोटल ये अमाउंट बनता है अप्रॉक्स 49,10,000। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस कैसे निकाला है, आइए इसे भी समझते हैं। LIC हर साल पर 1,000 सम में शॉर्ट पर एक फिक्स बोनस रेट निकालती है। ये बोनस रेट हर साल 1-2 रुपये ऊपर नीचे वैरी करता है। पिछले 6 सालों से LIC का बोनस रेट 48 से 49 के बीच रह चुका है, लेकिन इस एग्जांपल में हम चलिए 46 का रेट ही पकड़ लेते हैं। अब बोनस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम में शॉर्ट अपॉन 1,000 इंटू बोनस रेट, 10 लाख अपॉन 1,000 इंटू 46 विच इज़ इक्वल टू 46,000। ये 46,000 व्यक्ति को हर साल मिल रहा है, इसलिए इसे हम पॉलिसी टर्म यानी 35 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 46,000 इंटू 35 विच इज़ इक्वल टू 16,10,000 रुपीस। बोनस के बाद अगला कंपोनेंट आता है फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस व्यक्ति को सिर्फ एक बार दिया जाता है पॉलिसी टर्म ख़त्म होने पर। अब इस प्लान में फाइनल एडिशनल बोनस रेट व्यक्ति को मिलता है 2,300 रुपये। इसे भी हम सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एडिशनल बोनस इज इक्वल टू सम एश्योर्ड अपॉन 1,000 इंटू बोनस रेट, 10 लाख अपॉन 1,000 इंटू 2,300 विच इज इक्वल टू 23 लाख रुपीज़। टोटल मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ बनता है 10 लाख प्लस 16,10,000 प्लस 23 लाख विच इज इक्वल टू 49,10,000। इस कैलकुलेशन में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होता अगर इस व्यक्ति की यहाँ मेच्योरिटी से पहले ही 50 साल की एज में डेथ हो जाती। ऐसा होने पर इन 25 सालों में जो ये व्यक्ति प्रीमियम भर चुके होंगे वो होगा 7,23,587 रुपीस और फिर 50 साल की एज में नेचुरल डेथ हो जाने पर जो LIC इनके परिवार को अमाउंट देगा वो होगा अप्रॉक्स 30 लाख रुपीस और एक्सीडेंटल डेथ के केस में अप्रॉक्स 40 लाख रुपीस। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि न्यू जीवन आनंद की खास बात यही है कि यहाँ मैच्योरिटी अमाउंट लेने के बाद भी आपके परिवार को LIC द्वारा डेथ बेनिफिट दिया जाता है ना फ़ायदे की बात।
इस एग्जाम्पल में ये प्रीमियम अमाउंट हमने आपको एक्सीडेंटल डेथ राइडर पहले से इंक्लूड करके बताया है। जनरली लोग अपनी पूरी लाइफ में ऐसी एक या दो पॉलिसीज ही लेते हैं, इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके एक मज़बूत पॉलिसी लें। एडिशनल राइडर्स जो आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं वो हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। LIC न्यू जीवन आनंद की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो है, यहाँ फ्री लुक पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है, यानी कि पॉलिसी लेने के 15 दिन में आप चाहे तो इसे वापस कर अपने पैसे ले सकते हैं। प्रीमियम भरने में अगर आपको लेट भी हो जाता है तो भी ये पॉलिसी आपको 30 दिन का अलग से ग्रेस पीरियड देती है ताकि आप अपना प्रीमियम आराम से भर पाएं। आप चाहें तो पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद ज़रूरत पड़ने पर इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक अच्छा खासा लोन भी ले सकते हैं। जितना भी आप इस पॉलिसी में प्रीमियम भर रहे हैं आप उतने अमाउंट का हर साल सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख। इस पॉलिसी प्लान के कंपैरिजन में आपको LIC न्यू एंडोमेंट प्लान ज़रूर चेक करना चाहिए जिसकी वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और न्यू जीवन आनंद प्लान का ब्रोशर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।